दरोगा जी। अरे दादा तुम काई आ गई। भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। दरोगा जी बाहर इतनी अच्छी बरसात हो रही है और तुम इतने हवालात में बैठे बैठे चाय बिस्किट पेल रहे हो। चलो निकलो। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन आप इन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। बड़ी अजीब बात है, काहे नहीं ले जा सकते? क्योंकि इन्होंने कमिश्नर साहब से बदतमीजी की है और कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि इन्हें लॉकअप के अंदर रखा जाए। बहुत ही अजीब ऑर्डर है। जे थाने के दरोगा है दरोगा, छोड़ो निकालो। चलो दरोगा जी, इतनी अच्छी बरसात हो रही है, भीगेंगे वीडियो बनाने। तो तुम सुनो, तुम कानून के बीच में ना पड़ो जी, कानूनी दाव पे रज्जो। तुम जेद ना करो तनक लोंडाला पाड़ियन पे ध्यान दो, घरे आ जाएंगे हम। जी का फजूल बात कर रहे हो, चलो निकलो बाहर। मनोहर भैया तुम तो हमारे देवर जैसे हो ना, छोड़ दो दरोगा जी को। लेकिन मैं कमिश्नर साहब के बेटे जैसा भी हूँ और मैं मेरे रेशु पप्पा मेरा मतलब मैं कमिश्नर साहब को नाराज नहीं कर सकता। मनोहर भैया कछु लह दे के बात नहीं बन सकत का? अपनी जबान को लगाम दीजिए भाभी जी। आपके सामने आपका पति नहीं बल्कि ईमान का पक्का मनोहर खड़ा है। मैं मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं साला। वैसे ऑफर कितने का है? क्या हो रहा है? ऑफर चल रहा है सर। मेरा मतलब भाभी जी रो रही है सर। राजेश तुम? हाँ सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर जी दरोगा जी को आपने अंदर डाल रखा है। जी ठीक नहीं सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दरोगा जी को छोड़ दो। राजेश तुम जानते भी हो कि उसने मेरे साथ में क्या बदतमीजी की है? का? हप्पू ने मुझे झूलती हुई मीनार कहा है। तुम बताओ मैं किस एंगल से तुम्हें झूलती हुई मीनार नजर आता हूँ? आता हूँ? हाँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगते। आप तो एकदम झूलती मीनार नहीं सर, कुतुब मीनार जैसे सख्त स्ट्रेट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फेरे लो है अब तू सीखो सीखो कुछ इनसे सीखो। सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, अब तो छोड़ दो दरोगा जी को, आपको हमारे घर के चेपे पराठों की कसम। मैं क्या कहा? हमारे घर के पराठों की कसम सर। ये क्या कह दिया तुमने राजेश, पराठों की कसम दे दी। अब मैं ठीक है मनोहर। यस सर। जाओ और हप्पू को लॉकअप से बाहर ले आओ। क्यों? यस सर। आ जा भाई। भाई बात सुन। चलो साहब को थोड़ी समझाना। चलो यार हमारी तरफ से कह के तो दे। अरे चल यार, अरे हमें ऐसे कानून को उल्लंघन है जो कहा कानून को उल्लंघन है। चल अरे दादा, अरे नहीं जाने नहीं जाने, हमें नहीं जाने जाओ। कहा बहुत दरोगा जी, जैसे टेबल के नीचे का घुस रहे। क्या बताया, मेरा जो डर लग रहा हो। राजेश ये बाहर नहीं आएगा, तुमको ही नीचे जाना पड़ेगा। मैं भी गया था एक बार नीचे, ये नहीं आएगा बाहर, जाओ। दरोगा जी हम आ रहे। क्या होगा दरोगा जी, तुम्हें क्या डर रहे हो? अरे क्या बताया, मैं बहुत घबराहट हो रही, ये जो सारी बारिश हो रही, बिजली कड़क रही, बादल कड़क रहे, हमें इतनी घबराहट हो रही है जो ऐसा लग रहा बीपी कम हो जाएगा। बहुत घबराहट होती है हमें, हमें डर लगता है जब बारिश से। ये बात तुमने हमें पहले काहे नहीं बताई? हमें लगो कि हम बताएंगे तो तुम बुरा मान जाओगी। अरे हम काहे बुरा मानेंगे, बताओ खुल के बताओ क्या बात है। असल में हमने तुम्हें जब बात ना बताई, शादी के पहले हमारी एक ठैया गर्लफ्रेंड आती रेनू का।
बस वही घटना के बाद हमें बारिश से डर लगता है। चुप हो जाओ दरोगा, अब क्या डर रहे हैं, अब तो हम है ना हम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सुनो माई बात सुनो, हम दोनों मिलके तुम्हारे डर से सामना करेंगे। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे परेशान ना हो। यही बात से हम ना बता रही थी तुम्हें, हमें लगू तुम गुरु मान जाओगे। ओके बिमलेश माउस बैनी अंकल, आज आपकी नहीं चलेगी। हाँ टुडे यू लिसनिंग एंड फॉलोइंग माय डांस इंस्ट्रक्शंस। ओके सो फर्स्ट पुटिंग योर लेफ्ट हैंड ऑन कमर, यस, राइट हैंड इन हवा, यस, एंड डूइंग दिस 1, 2, 3 and 4। नाउ वी डूइंग ऑपोजिट ऑपोजिट। ओके 4, 3, 2, 1. Wow, very nice. Now we're going in the rain and doing the final take. You ready? Huh. Let's go. Come on, Kamlesh. Come on, boss. Oh my God. Kamlesh Cummings. Yes. Come. Oh my God. Okay, Benny Uncle Mouse ready? Camera ready? Ready. Music on? Music. Action. Kamlesh, director tum ho ke main? Okay, madam. Action. Come on. Cut. What happened, Benny Uncle? You fine? One more take? Ready. Okay, camera rolling. Rolling. Music on. Music. And action. औकात में रहो, डायरेक्टर मैं हूँ। ओके मैडम। एक्शन। फेस, माउस फेस, पेनी फेस। कम ऑन। अच्छी। कमलेश, लेट्स गो, गोइंग टू हेल, नो मेकिंग एनी वीडियो। देख खड़े इतने खड़े जो, चुपचाप, बिल्कुल हिलो डिलो नहीं, हैं? फुल तैयारी में है। हाँ, फुल तैयारी में। बच्चा बाटी, रेडी? हाँ, एकदम रेडी। हे, चलो, लेट्स डू। चलो, अरे बिल्कुल। 1, 2, 3। बढ़िया दरोगा जी, बहुत ही बढ़िया। अब तो तुम्हारे भीतर का डर भी निकल गया। अरे बिल्कुल, अब तो हम एक तड़कता भड़कता मस्त वीडियो बनाएंगे कंटेस्ट के लाने, असली बारिश में। अरे बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब मजा आएगा, अब हम जाएंगे पेरिस और वहाँ पे करेंगे मजे। मजे छोड़, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाऊंगा। अरे बाकी अरे मुझे पता है, और मैं तो वहां जाके वहां के फेमस आइसक्रीम खाऊंगी, कितना मजा आएगा। जब दिन में 1760 बार तो तुम्हारा प्लान बदलता है। लेट्स गो, अब बनेगा वीडियो। दरोगा जी चलो, असली बारिश हो गई, भगवान ने नल का खोल दो। चलो, अरे चलो, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, चलो चलो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। करो घुइया करो, इतने हमें दिमाग खराब है। पापा सुना, पापा डांस करो, कपल वीडियो, नाचो, चलो हमारे साथ नाचो ना पापा, नाचो। दरोगा जी पेरिस देखो, पेरिस जहाँ जुड़ो दादा, पेरिस नहीं दिख रहा हूँ, परमात्मा दिख रहा हूँ हमें, परमात्मा नहीं, नाचो। दो चलो घुटके लगा दो।
आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइए। दादा अरे फट गई फट गई फट गई पैंट फट गई पैंट फट गई, हम नहीं नाच सकते, पैंट फट गई, फट गई, पैंट फट गई। अरे रुको रुको रुको, हम लेकर आते हैं। चल चल चल, रील बनाओ, तुम रील बनाओ। छोगा जी छाता रिया जी क्या कर रहे हैं ये पापा? वो वाले घोड़े हैं ना जिनके ऊपर पैसे लगाओ तो हारना ही है, मतलब। हाँ, इनके सितार के तार टूट गए हैं, उनको सितार बिक गए हैं। सही। अनबीर, तो टेंशन मत ले। एक आइडिया है, मुझे लगता है हमें वापस टूरिस्टर बाबा के पास जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, वो इस बार लात नहीं मारने वाले। यार तो जिंदगी में पहली बार मैं एक इंसान से लात खाने के लाने इतना ज्यादा तरस रहा हूँ, लेकिन वो है कि लात मारी ना रहो। ब्रो टेंशन मत ले, मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त वाला आइडिया आया है ना कि तीन क्या कि ये 100 लात मारेंगे 100। वो तो ठीक है, जब फटो वो है। ये लड़की बोंजूर बोली अच्छी थी, ये लड़का बोंजूर बोली अच्छी थी, लेकिन तुम बिथियस बेवकूफ स्टूपिड जोकर इडियट, तीनों चारों समझ आ गए। आगे बोलिए। तुम तीनों इतने बदमाश बच्चे हैं, हम तुम तीनों को अब सहारा रेगिस्तान में फेंक देंगे। त्राही माम बाबा, त्राही माम, मुझे बहुत बड़ी गलती है गई बाबा। बाबा मुँह को माफ कर दो, मैंने जो भी करो है वो गलती तो करो, मैंने जानबूझ के कचू ना करो, आप मुँह को माफ करती हो बाबा। हाँ बाबा, मेरा भाई निर्दोष है, इसने तो आपसे सच्चाई छुपाई है। और ये सब तो वो सब शनाया के चक्कर में हुआ, और शनाया तो इसको कभी घास ही नहीं डालती थी। पर ये बच्चे तो शनाया से घास खाने के लिए ही पेरिस जाना चाह रहे है ना? चारे है नहीं बाबा, चारा था। हाँ हाँ, मतलब इसको अब समझ आ गया है कि पेरिस जाने से बस इसका पासपोर्ट सुंदर होने वाला है, शक्ल और औकात तो वही रहनी है जो है। हाँ, इसलिए मेरा भाई अपनी औकात चमकाने के लिए आया है आपके पास बाबा। बाबा कुछ करिए। कैसी कैसी, हाँ हाँ। वो लड़के के छोड़ के जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और इसने सोचा मैं पढ़ाई करूंगा, और इसने ऐसी पढ़ाई की कि कुछ घंटे में ही इसको स्कॉलरशिप मिली पेरिस से। हाँ ये देखिए, ये रही मार्कशीट और ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस का लेटर। इसमें साफ साफ लिखा है कि रणवीर को स्कॉलरशिप मिली है और वो फ्रांस जाके पढ़कर अपने देश का नाम और रोशन करेगा। इसकी शक्ल देखकर तो लगते है कि इसको स्कूल से दूर रखने के लिए पैसे देते होंगे। इसको पढ़ने के लिए पैसे कौन देगा? नहीं नहीं नहीं, आप शक्ल पे मत जाइए, शक्ल देखेगा तो सबको यही लगता है, लेकिन इसकी अकल पे जाइए, इसकी अकल बहुत अच्छी है, इसलिए तो यहाँ पे आए। हमारा मतलब है कि इसकी अकल की वजह से इसको स्कॉलरशिप मिली है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बात अगर इस बच्चे के भविष्य के है तो मैं इसको पेरिस भेज देंगे। शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। डोंट गेट इमोशनल, आ जाओ खड़ा हो जा, पोजीशन ले ले, पोजीशन पोजीशन ओके रेडी, जोर लगा के हाय शाह, जोर लगा के हाय शाह, जोर लगा के। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक्सक्यूज मी मिस यू, आप इतने इंटेलिजेंट थे, बच्चे को क्यों डांटते? इंटेलिजेंट? अरे बाबा जी, ये तो वही बात हो गई जैसे आप सांप से यह आशा कर रहे कि आपको
चाट के चला जाए और काटे भी ना। अरे इनसे जहरीले बच्चे लालटेन लेके पूरे कानपुर में ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक नंबर के बदमाश है ये। Wait a minute, अगर ये बच्चे इतनी शरारती इतनी नौटी है तो इनको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स से चांस कैसे मिल सकते हैं? देखो देखो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस। अरे इनको कानपुर का सरकारी स्कूल जैसे तैसे झेल रहा है, हम जैसे तैसे झेल रहे हैं। अरे बाबा जी ये डिग्री उगरी सब फर्जी है, एक नंबर के मुन्ना भाई हैं। कहाँ छपाए थे? स्कूल के पियोन ने बनवा के दी। टिंग टोंग, अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दे, अब बाबा को आ रहा है गुस्सा, वो आपको श्राप देंगे, कृपया आप विमान के पिछले द्वार से भाग जाए। With due respect, I request you to curse these kids. मतलब? है? मैं तुम तीनों को श्राप दे रहा हूँ। यार बहन, यार हमारा हौसला बढ़ा यार, की कमाई हालत कैसी हो गई, घर वाले सारी हजरे मतलब क्या इज्जत रह गई हमारी, कछु आइडिया दे दे, ऐसा कर दे कांड के बस पेरिस की टिकट मिल जाए, क्या करें बता? हम कैसे बताए, हम तो खुदा लगे हुए थे लेकिन हमसे भी ना हो पाया। तो तू नाच ले, रील वील बनवा दे बच्चन की, खुश हो जाए। बोला तो सुनो, जो मुलाल हुआ गया कि हमने पूरी कोशिश की, मतलब रिहर्सल वर्सल टाइप का भी किया है। तूने रिहर्सल करी थी? अरे हमने करी थी, सब कुछ करी थी, लेकिन क्या हुआ ये, अरे यार तुम्हारी जो तो बिटिया कटोरी और गाना में छोटा भाई, ये दोनों अंग्रेज जो है ना जाली टाइप के, ऐसा हमको मतलब डिमोरलाइज कर दिए, कर नहीं पाए तो हमसे भी हमने कहा कि हमसे ना हो पाएगा, ये खीर हमने पका सकते बस। तो यार कैसे बात बनेगी, तुमको पता हमें बहुत डर लगता है, जी 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 सारी बारिश बारिश से जब बादल गरजते हैं हमें ऐसा लगता है, ऊपर पता बारिश होती है ना, जब बादल जब गरजते हैं तो बस ऐसा हाल है बहनी, ऊपर बादल फटते हुए नीचे हमारी क्या बात कर रहे हो अच्छी, अरे हमारी जान निकल जाती है यार डर के मारे। ओ अच्छा उधर से आ रहे हो, सुनो देखो हमेशा यार तू, तो हम क्या करें भाई, दोस्त है ना, 700 रुपए का देखो एकदम चाइनीज टाइप का ये पिला रहे तुमको, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ जो है मिनी स्कर्ट पहन के मुजरा करे तुम्हारे लिए? यही हम कह रहे थे कि दारू वारू छोड़, दोस्त वालों काम कर दे, देखो सही दोस्त वही है जो दोस्त की परेशानी हर ले, बाको हरण कर ले, तू हमारे लाने कछु तो ऐसा कर यार, जो हमारा डर कैसे निकले वो बता। देखो हरण करने वाले हम तो तुम्हारे चीर हरण कर ले, हमारे बस में आए तो, लेकिन देख तू नाच नहीं सकते ना, तो कछु ऐसा आइडिया दे दे जी में, जो हमारा डर हमेशा हमेशा के लाने छू मंतर हो जाए बहनी। आ रहा आ रहा आ रहा है, का है आ रहा हूं ना बेनी प्रसाद, एक घूंट लगाओ आएगो एक, हम कह रहे बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, दिमाग में एक जोरदार धमाकेदार एकदम बढ़िया आइडिया आ रहा है, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, दिमाग में एक जोरदार धमाकेदार एकदम बढ़िया आइडिया आ रहा है। करना का है कि देखो तुम्हारा डर जहां से शुरू हुआ है एग्जैक्ट वो जो मोमेंट था, वो जो परिस्थिति थी, उसको हमको दोबारा बनाना पड़ेगा, वैसे ही सजाना पड़ेगा, क्रिएट उतने साल पीछे हम लोगों को जाना पड़ेगा रेट्रो। नहीं सुनो सुनो पूरी कहानी सुन लो, काम उल्टू ना हो जाए, ना ना ना, वैसे ही पोजीशन में जाए के, वैसे ही परिस्थिति में अपने आप को फंसाए के, लेकिन इस बार क्या होगा, तुमको उस परिस्थिति में पड़े नहीं रहना पड़ेगा, उस वक्त तुमको फिर जागना होगा, तुमको लड़ना होगा, तुम्हें अंदर जो है हिम्मत पैदा करनी होगी, तुम्हें खड़ा होना पड़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, हमसे ना हो पाएगा जो हो पाएगा। तुम चुमूलाल अप्पू, अप्पू तुम्हारा क्या नाम है? अरे यार तुम क्या ज्यादा पी गए, अप्पू तुम्हारा का नाम है, अप्पू ही है सर, अप्पू सिंह। तो तुमको डांस सुनो डांस आता है, हमको याद आया जब हम बचपन में गर्मी की छुट्टी में घर गए थे ना कक्षा 6 में, तो चाची बताती है कई बार हमको किस्सा सुनाई कि तुमको गर्मी की छुट्टियों में डाकू उठा के ले गए थे और वहाँ तुमको बहुत नचाया, मतलब नचनिया की तरह बोतल फोड़ के बोले कि नंगे पाए यहाँ नाचो। नाचो हा? नहीं नाचे तो बेहती, अच्छा हमें तो ढोलक की तरह बजाओ तो। अच्छा ओ भाई आया था, अरे और कछु आइडिया दे यार। नहीं तो तुम एक काम करो, तुम जोर से अपना नाम पुकारो अप्पू सिंह। नहीं ऐसे
हप्पू सिंह वो जिसके नाम से सब पूरा शहर थर थर कांपता है, शेर हो तुम, शेर लायक तो शेर की तरह दहाड़ो। हप्पू सिंह, अरे आवाज निकालो शेर वाली। जो बोलो हम ना बोले, तू बोलो शेर की तरह निकालो यार, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा। बिलैया है कहते, जो हम नहीं बोल रहे। तुम बिलैया खा गए। बहुत बढ़िया।